जय हिंद बच्चों, आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी जो है सिविक्स नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था, जापान, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। तो बच्चों यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा, जो है जापान हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था, तो जापान हो जाएगा सही जवाब। द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों कब समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में बच्चों हर पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, ये जो है 1945 ईस्वी में। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। आगे देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियाँ कौन थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, चीन और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में जो दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक तरफ था सोवियत संघ और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जो है सही जवाब इसका सी हो जाएगा, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, फ्रांस। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था, 1913, 1945, 1919, 1947। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों 1945। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया गया था। देखो बच्चों 9 अगस्त को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा, और 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर जो है अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, जापान का ये शहर है नागासाकी और हिरोशिमा। आज भी लूले लंगड़े बच्चों वहाँ पैदा होते हैं, यानी परमाणु बम का जो इफेक्ट है आज भी वहाँ है, जापान और हिरोशिमा पर जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं बच्चों शीत युद्ध से क्या आशय है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, वास्तविक युद्ध ना होकर हमेशा युद्ध की स्थिति बने रहना, यानी युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, इसी को कहते हैं बच्चों शीत युद्ध। शीत कुछ बच्चे सोचते हैं शीत माने ठंडी होता है, ठंडी की युद्ध होगा, लेकिन नहीं बच्चों, युद्ध बना रहता है, युद्ध होने की शंका रहती है लेकिन युद्ध नहीं होता है। देखो वास्तविक युद्ध ना होकर हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए हो जाएगा, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। वर्षा संधि किस गुट की देन है बच्चों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा, वर्षा संधि किस गुट की देन है, ये जो है पूर्वी गुट की देन है। आगे देखेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है, कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है, कर्नल नासिर, ब्रार, टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, विल्सन हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या है, तो सही जवाब यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंस, निम्नलिखित में कौन सा एक गुटनिरपेक्ष देश नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष देश नहीं है। तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा ब्रिटेन। यानी गुटनिरपेक्ष किसे कहते हैं, जो अमेरिका और सोवियत संघ गुट में शामिल ना हो, यानी किसी गुट में शामिल ना हो उसे कहते हैं गुटनिरपेक्ष। यहाँ सही जवाब होगा ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, देखो चार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ अथवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी, तो ये जो है बेलग्रेड सम्मेलन 1961। यहाँ सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, बेलग्रेड सम्मेलन 1961। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, अमेरिका, ये गलत है। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, तो यही गलत है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल, ये गलत है बच्चों। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों जो है सी हो जाएगा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये जो है कथन गलत है यहाँ।
अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? तो जो है बर्लिन की दीवार को माना जाता है। यहाँ सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, बर्लिन की दीवार। निम्नलिखित में से कौन सी गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियाँ हैं? तो ये सभी हो जाएगा, यहाँ तीनों हो जाएगा बच्चों, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सोवियत संघ की राजनीति तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की रक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे। तो यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा बच्चों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा मध्य पूर्व से में संकट, यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक साक थेरेपी का परिणाम नहीं है? तो बच्चों सुरक्षा परिषद का गठन, ये साक थेरेपी का परिणाम नहीं है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है,